नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। खबरों का सिलसिला जारी करने के पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लाठी प्रतियोगिता साउथ एशियाई चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने रचा इतिहास। न्यू रेलवे स्टेशन पहुंचने पर खिलाड़ियों का किया गया भव्य स्वागत। बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में निवासरत लोगों को शुद्ध पानी देने कवायद हुई तेज। शिवनाथ नदी से मरोदा डैम में पानी लाने के कार्य का विधायक देवेंद्र यादव ने किया भूमि पूजन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नया रायपुर में आयोजित विभिन्न भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए शामिल। सेक्टर 19 में 49.50 करोड़ की लागत से बनने वाले नए छत्तीसगढ़ कृषि भवन का किया भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 49.50 करोड़ की लागत से लगभग 3 एकड़ में बनने वाले नए छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर नए कृषि भवन की आधारशिला रखी और धरती माँ से प्रदेश के धन धान्य से समृद्ध होने और किसानों के खुशहाली की कामना दिल से की। अब तक सब्जी मंडी में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फल खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे वो सरयपाली तरफ हो, चाहे कटघोरा तरफ हो, चाहे धर्मदेवगढ़ तरफ, कटघोरा नहीं धर्मदेवगढ़, चाहे वो अंबिकापुर की तरफ हो, चाहे बस्तर में हो, सब जगह सब्जी और फल के उत्पादन बढ़े तो कर डिमांड भी बढ़े। और चार पांच साल पहले स्थिति ये रही थी कि बस्तर में सब्जी ज्यादा रही थी, अब उल्टा हो गया, बस्तर की सब्जी बाहर निकल जाती है। तो केवल धान बताया का मतलब रखते हुए कि हम केवल धान उत्पादन पर नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरे दिन हर सब्जी के उत्पादन में बहुत गुणात्मक वृद्धि हुई। हमारे बंदा क्षेत्र है कि पत्थल गांव क्षेत्र है, टमाटर के मामले में जाने जाते, लेकिन अब उकर और हमारे अवेलेबिलिटी सेल करना है, तीनों दिशा में हमारे आगे बढ़ना है। तो सरकार की ओर से निरंतर ये प्रयास कि किसी किसान मन के जते की उपज है तो सही मूल्य मिल सका है। अगर माध्यम मंडी है, ये साल मंडी में धान बेचा है गर्मी फसल के, मैं भूते न भविष्य के भविष्य में हुई तो नहीं उतनी जाना, लेकिन आज तक के कभी आपका धान की कीमत नहीं मिले जो अब साल मंडी में मिले। लेकिन केंद्र सरकार को पसंद ही नहीं है किसान धान ज्यादा काबल मिले, तो जिन बाहर जाए गिरी से धान, जिन बाहर चावल बाहर जाए गिरी से जिन प्रतिबंध लगा दी और ये जारी रही हमारे धान की भाव गिरी, यदि विदेश में बिक्री के अनुमति रही तो हमारे धान के भाव उसने बढ़ रही, तो किसान का दोनों ऑप्शन रही, हम सोसाइटी में धान बेचे जाए कि मंडी में धान बेचे जाए। अगर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ गए कहीं गए थी नहीं, लेकिन यदि ये रेट है मंडी में इस साल जैसे गर्मी फसल है कि धान 2224 रुपये तक गए, समर्थन मूल्य 2100 रुपया है, तो किसान कहां पर 2100 रुपये में से 2400 रुपये में बेचे। लेकिन भारत सरकार जैसे अभी चावल लकड़ी में 86 लाख मीट्रिक टन पहली अनुमति दे दी, अभी बिना कहीं कोई कारण के 61 लाख मीट्रिक टन कर दी, जबकि एक साल हम कहे कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद लो, पिछले साल 15 क्विंटल के हिसाब से खरीद 107 लाख मीट्रिक टन हुई, और ये साल उसके चरण में कहा हुई तब हमारा धान है 125-30 लाख मीट्रिक टन से कम नहीं है, और 125-30 लाख मीट्रिक टन के यदि चावल बनावो तो 86 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से हो थे। लेकिन केंद्र सरकार सुहावे नहीं करे छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ सरकार अब 61 लाख कर दे, मतलब हमने वो 80-85 लाख मीट्रिक टन जो धान है बिगड़ निराकरण हुई, हम धान खरीदते हम अशोक चावल खरीदते नहीं खरीदे तो हम मार्केट में बेच देते, लेकिन किसान घाटा नहीं होंगे। तो अभी फिर से ही बूता और वो बायोमेट्रिक्स ले आए, अरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया धान खरीदी व्यवस्था कौन है तो केवल छत्तीसगढ़ में, तो बायोमेट्रिक्स ले आए, अरे किसान के अभी खेत के
कृषि विभाग भी चेक करे थे, राजस्व विभाग भी चेक करे थे, सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन होते, आधार से लिंक होते, बैंक से लिंक होते, अतिक्रम प्रक्रिया हो ये बाहर भी। और हर साल हम धान साल दर साल धान हम खरीदा था, कोई गड़बड़ी नहीं आती। अब बायोमेट्रिक्स लाख का कर देते हैं, मतलब जेन किसान है रायपुर में अगर जमीन है तो बलोगा बाजार में तो और रोज जाए लगी बायोमेट्रिक्स लगाए वो खाता तो कैसे गए, कोई नगद तो लेते नहीं है। बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले रहवासियों के लिए शुद्ध पानी मिलने की कवायद तेज हो चुकी है। इसके तहत भिलाई स्थित कला मंदिर में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के हाथों भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। 336 करोड़ की लागत से शिवनाथ नदी से बीएसपी के मरोदा डैम में पानी लाया जाएगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और राज्य शासन एवं बीएसपी प्रबंधन जिला प्रशासन के सहयोग से इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले रहवासियों के लिए अब शुद्ध पानी मिलने की कवायद तेज हो चुकी है। इसके तहत भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के हाथों भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। 336 करोड़ की लागत से शिवनाथ नदी से बीएसपी के मरोदा डैम में पानी सप्लाई किया जाएगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और राज्य शासन व बीएसपी प्रबंधन जिला प्रशासन के सहयोग से इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। बता दें भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और ये काम सिर्फ मेरे या किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ है बल्कि ये सभी के सहयोग से हुआ है। शिवनाथ नदी से मरोदा डैम में पानी लाने की इस योजना से एक ओर जहां बीएसपी को उत्पादन के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा तो वहीं दूसरी ओर टाउनशिप में रहने वाले लोगों को जो गंदा पानी की समस्या से सालों से जूझते देखा जा रहा था उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग संभाग के हजारों किसानों को भी सिंचाई करने के लिए भरपूर पानी मिलने लगेगा। देश में कई स्थानों पर सेल की कंपनियां हैं लेकिन भिलाई को ही मिनी इंडिया कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां अपने पन की भावना है, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी सबको अपनाती है। कोरोना काल के समय भी टाउनशिप में गंदे पानी की समस्या थी पर वहीं अभी कुछ दिनों से कुछ टंकियों से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है और कुछ ही दिन पहले सेक्टर 4 की एक पानी टंकी धराशायी भी हो गई थी लेकिन क्षेत्र की जनता को समस्या का पता नहीं चलने दिया। हम सब ने मिलकर ऐसे इमरजेंसी में ऐसे पैरलर व्यवस्था खड़ी की कि क्षेत्र के लोगों को एक बूंद पानी की समस्या भी नहीं हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से धन्यवाद करूँगा, आदरणीय रविंद्र चौबे साहब का बहुत दिल से धन्यवाद करूँगा। भिलाई में साफ पानी को लेकर पिछले समय से लगातार हम लोगों के लिए चैलेंजेस चल रहा था। आपने देखा है कोविड के समय से हम लोग बहुत प्रयास के बाद भी पूर्णतः सफलता की ओर नहीं पहुंच पाए थे। ये एक स्थायी समाधान है साफ पानी के लिए। टाउनशिप के लोगों को अब हमेशा साफ पानी मिलेगा जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्य शासन का और बीएसपी प्रबंधन का, इरीगेशन डिपार्टमेंट का, सभी का दिल से धन्यवाद करूँगा। बहरहाल इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के वार्ड में कार्य सफाई कर्मियों से मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने रोष जताया, वहीं निगम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दुर्ग वार्ड 38 की महिला सफाई कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार और हाथ उठाने का मामला सामने आया है जिसमें पीड़िता पक्ष ने बताया कि वार्ड की पार्षद नीता जैन द्वारा सफाई कार्य के नाम पर घर बुलवाकर उनसे गलत व्यवहार कर मारपीट की गई जिससे रेखा बाई सोनकर, हुमन बाई बंजारे, राधिका सोनकर द्वारा लिखित में थाने में शिकायत भी की गई। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ सफाई कर्मचारियों के सम्मान को लेकर उनके पाँव धुला रहे हैं, वहीं इस तरह से हुई घटना पर दुर्ग सफाई कर्मचारी संघ के लोगों और वार्ड प्लेसमेंट सफाई कर्मियों ने गहरा आक्रोश जताया है। इस संबंध में पार्षद नीता जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइट ऐसा है कि वर्कर जो हैं डोर टू डोर जाके कचरा संग्रहण करते हैं, मिशन क्लीन सिटी के तहत हैं, प्लेसमेंट से कर्मचारी हैं और अन्य विभाग से गैंग में भी वर्कर हैं जो हर प्रकार के काम करते हैं सफाई में, सड़क नाली। और कभी भी कल वार्ड नंबर 38 से एक कर्मचारी का फ़ोन आया कि हमारे साथ पार्षद महोदया द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और थप्पड़ भी लगा दिया उनको। तो हमने पूछा, नीता जैन पार्षद महोदया का नाम है, तो हमने पूछा क्यों ऐसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि
हम कल डोर टू डोर कचरा का अटेंडेंस देकर सुपरवाइजर के पास से वार्ड के नागरिकों से कचरा लेने के लिए घर गए। उन्होंने कहा कि एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, तो ये बताया कि हम कभी कभी पार्षद के यहाँ घर में काम करने चले जाते हैं तो लेट हो जाता है, इसलिए हमको कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये शिकायत वार्ड के नागरिकों ने पार्षद महोदय से की होगी, तो उससे उनको लगा होगा कि मेरे बुराई कर रहे हैं या मेरे को बदनामी कर रहे हैं, तो उनको बुलाया गार्डन में और जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा वहाँ पे, इसकी जानकारी हमको फ़ोन के माध्यम से मिली थी। तो हमने कर्मचारियों को बताया कि आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल जाएं, अपना जाके एक लिखित शिकायत कर दिए, सिटी कोतवाली में उन्होंने शिकायत की है, जो भी उचित कार्रवाई होगी सामने जो रहेगा वो फिर। ये तो आज की घटना नहीं है, इसके पहले भी कई प्रकार की घटना हुई है जिसमें हमने स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर निगम प्रबंधन को भी ये जानकारी दी है और यही बताया है कि जो भी कार्य है नगर निगम कर्मचारियों को भुगतान करता है तो वो खुद हैंडल करे। अगर पार्षद महोदय हो या महोदया हो, अगर उनको वर्कर से कोई शिकायत है वो अधिकारी को बोले दरोगा है ऐसा ही है, उनको पसंद नहीं है तो चेंज करा सकते हैं, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार संघ भी बर्दाश्त नहीं सुनाई दे रहा है कि फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिलती आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विभागीय रूप से उसको शॉर्ट आउट किया जा रहा था, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है और इसका संघ घोर निंदा करता है। सुनवानी सुबह 6 बजे हाजिरी दिला के अपन वार्ड चले गए रहें, वार्ड से कचरा लेते रहें, और इतनी विक्की है जो फ़ोन करी सुपरवाइजर पार्षदिन है, तो फ़ोन करके ना विकील फ़ोन करी सुपरवाइजर ना विक्की बोलते चलो सुपरसदिन बोला तो माला इसके उठा खमाला गाड़ी में बैठा के लेगी सुपर घर मुकाबा घर में लेगी सीधा उसके बाद विक्की अपन गेट के सामने में खड़ा हो गए और हमला अंदर भेजी से जहाँ बोला थे कि उसका नीता जैन घर गए ना अंदर में गीता जैन है मारे चालू कर दी हाई मोर भी जाति करता तो मैं सब जगह के इसकी झाड़ू पोछा अपना वार्ड में बर्तन झाड़ू पोछा करवाते है रोज हो जाते टाइम भी टाइम कैसे टाइम हो जाते तो माला ऐसे के ना मारे चालू करी संभाल मोर जगह जगह भी जाते रेखा सोनवानी देख सर में हाँ हाँ काम से संडे के छुट्टी रहे थे काम से मैं यहाँ और हाजिरी ली समर मन के हाजिरी ले बाद में मैं यहाँ चल दे रहे हैं हम और वार्ड में तो काम नहीं करे घर में घर के काम करवाते सब आदमी ला जब से जीते तब से नीता जान है सब जहाँ ला बुलाते और नहीं जावे तो चमका थे और हमारे जाति उति सब ला गाली देते तुम्हें सतनामी है वो हर इसे कह के सब चीज़ के गाली देते और नहीं जानते ये काम से बैठा लेंगे ऐसे कहकर बोलते हाँ मारे हैं सर ये हाथ मारी सब है नीता जान मारी सब ये गार्डन में लेके हमें नहीं जाना रहे हम बैठार के लगी से सुपरवाइजर है बैठार के और धोखा से मोल बुला के मारे गए हमें कुछ गलती नहीं करे हम पूरी तरह गलत है। महिला कर्मचारी को जो उनके कार्य हैं हर रोज उनको हर घर का कचरा उठाना है और वो कचरा नहीं उठाती, एक दिन के आड़ में कचरा उठाती है। जो शिकायत मेरे पास आई मैंने शिकायत के बारे में उससे बात की तो वो कहती है कि मेरे को जो करना है करूँगी, मैं जैसा मेरे को आदेश होगा मैं करूँगी। तो आदेश किसका होता है? नगर निगम का होता है। मैं बोली नगर निगम में तो 200 घरों का कचरा बराबर उठाना है, लेकिन आप 200 घर का कचरा नहीं उठाते हो, रोज़ एक दिन के आड़ में कचरा उठाओगे तो ये काम नहीं होने दूँगी मैं अपने वार्ड में। बिल्कुल सफाई चाहिए और सफाई के बारे में मैंने लगातार कमिश्नर साहब से भी कहा है कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है जिसमें 1 घंटा उनको लंच मिलता है और बाकी समय उनको काम करना है, लेकिन 11 बजे आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिएगा, 11 बजे के बाद में किसी भी वार्ड में देख लीजिएगा कोई भी कर्मचारी वहाँ पर काम करते नज़र नहीं आएंगे। और वार्ड में जब भी मैं जाती हूँ वे कर्मचारी वहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठ के गप मारते रहते हैं और काम करने की ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते हैं। उस बात को लेकर मैंने आज कहा था और वही बात को मैंने आज पहले भी कमिश्नर साहब से कहा है। इससे पहले जब बर्मन साहब थे तब वो ऑनलाइन पर देखते थे और बराबर 5:30 बजे हाजिरी हो जाती थी। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी हाजिरी कैसे हो जाती है, तो कहने लगे कि कमिश्नर साहब ऑनलाइन पर देखते हैं और ऑनलाइन पर वो बीच बीच में बराबर नज़र रखते थे, हर वार्ड में घुमा के नज़र कैमरा से देखते थे। और वाली स्थिति को मैंने कहा है कि अभी भी किया जाए ताकि शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके, लेकिन अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं महापौर जी से भी अपील करूंगी कि इस ओर ध्यान दिया जाए, तत्काल सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। बिल्कुल गलत है वो आज बता दे कोई भी कर्मचारी कि मैं निजी काम करवाती हूँ, क्यों करवाऊँगी मैं निजी काम, सवाल ही नहीं होता। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
तीजा पर्व के मद्देनजर भिलाई नगर विधायक देवीन यादव के मार्गदर्शन में राजू चंदा द्वारा महिलाओं को श्रृंगार और मेहंदी संबंधित कलाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके लिए 29 वार्डों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। भिलाई नगर विधायक देवीन यादव की पहल से कामकाजी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही है। अब आने वाले तीजा पर्व के दौरान भी विधायक की पहल से महिलाओं को मेहंदी और श्रृंगार से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन समाज सेवी राजू चंदा के माध्यम से करवाया जा रहा है। श्रृंगार और मेहंदी से संबंधित विभिन्न कलाओं में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिविर का आयोजन भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में किया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं जुट भी रही है। इस कार्य में श्रृंगार और मेहंदी से संबंधित विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। प्रशिक्षण को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इसकी जानकारी समाज सेवी और कांग्रेस नेत्री राजू चंदा ने न्यूज टीम को दी। जैसे आप जानना चाहते हो कि हम क्या करना चाहते हैं, तो विधायक जी ने इतने अच्छा तरीके से 19 वार्डों में से महिलाओं के लिए जो किया है ना, वो आज तक ना कोई करा है ना करेंगे और आगे भी होगा। मतलब ये जो उन्होंने करा है महिलाओं के लिए, ये तो एक गॉड गिफ्ट है। एक राजा जो करता था पिछले ज़माने में, वैसे राजा की तरह खड़े होकर के उन्होंने पूरे वार्ड को संभाला है। जैसे कि सेक्टर 4 का छोटा सा ले लीजिए, उन्होंने पानी की टैंकी टूटने से उन्होंने छोड़ा नहीं अपने निवासियों को। उन्होंने एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे, बोला जाता है कि एक व्यक्ति के पास में 4 गुण होते हैं, तो उसमें से हमारे विधायक के पास 4 गुण हैं। एक तो वो दया करते हैं सब बहनों के ऊपर में, जो प्यार भी एक बहन की तरह उन्होंने सम्मान भी देते हैं, और एक कर्तव्य करते हैं एक पिता की तरह। जैसे कि पानी का टैंकी टूटने से हर घर में पानी की किल्लत, मैंने पूरे सेक्टर 4 में देखा कहीं पे कोई भी पानी की किल्लत नहीं हुई। और दूसरा, हमारे 19 वार्डों में अभी सब लोगों के लिए फेशियल हर रोज का कराए हैं, एक हफ्ता तक के। जैसे तीजा के लिए तो उन्होंने कहा कि पूरी बहनों लोगों के लिए तीजा के लिए, जैसे हमारे सेंटरों में पार्लर सिखाया जा रहा है, इस वजह से उन्होंने पूरे वार्डों के लिए पूरा सामान के साथ 19 वार्ड के लिए कोई मामूली बात नहीं होता है, एक वार्ड में 300 लोग हैं, तो ऐसे ही 19 वार्ड में आप सोचिए कि कितना पार्लर का सामान लगेगा। और वो पूरी महिलाओं के लिए मेहंदी पार्लर का पूरा सामान, और वो मैनीक्योर पेडीक्योर फेशियल वैक्स, उसके बाद में हमारा मेहंदी और बहुत सारा कार्यक्रम रखा है। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं तो धन्यवाद दे रही हूँ, लेकिन हमारे पूरे वार्ड के लोग बोल रहे हैं कि हम 2 जन हैं हमारे भाई बहन, लेकिन अब हम लोग विधायक हमारे एक बड़ा भाई जैसे, हम लोग उनको अपने परिवार में शामिल करते हैं। इस तरीके से सारे वार्डों में से एक ही आवाज़ आई तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि इस तरीके से कोई व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है क्या किसी के लिए। वो पूरे वार्ड के लिए देखते हैं, एक एक जगह के लिए नहीं देख रहे हैं, देखते हैं वो पूरे वार्डों के लिए देखते हैं। तो मैंने तो आज तक ऐसे विधायक नहीं देखा है। मैं इस विधायक को दुआ देती हूँ कि ये हमेशा इन वार्डों में हमेशा रहे और एक अच्छे भाई की तरफ कर्तव्य को पूरा करते रहें। बता दें कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने विधायक देवीन यादव सतत प्रयास करते रहते हैं। यही कारण है कि भिलाई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। राखी पर्व के उपरांत अब तीजा पर्व को लेकर भी विधायक देवीन यादव की पहल से तैयारियां तेज कर दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्रीराम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष श्री मनीष पांडे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत प्रशांत मिश्रा, युवा नेता भारतीय जनता पार्टी। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी भी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन के बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे कोनाना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवादाना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज।
गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730-7711, 7730-7722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के तत्वावधान में सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर भव्यता से भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी। समिति की 39वें वर्ष पर विशेष साज सज्जा यहां पर पर्यावरण को लेकर की गई है। समिति द्वारा पर्व को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई। जय गणेश। इस बार हम लोग सेक्टर 2 में हम लोग स्वप्न नगरी बना रहे हैं। लोगों को यहाँ पर आएंगे तो काफी अच्छा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। स्वप्न नगरी ऐसा है कि और हम लोग मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए एक थीम लेके आए हैं कि बचाने के, कि आजकल जगह जगह बाढ़ वगैरह सब चीज़ हो रहा है, तो हमको मतलब कैसे बचाना है पर्यावरण को, उस चीज़ का एक संदेश है। और स्वप्न नगरी आप आएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, महसूस होगा। ऐसा समिति एक बार का प्रयास किया है, एक नया थीम लेके आए हैं। जब पिछले बार हम लोग लेके आए थे पत्रकारों के लिए, इस बार हम लोग को पर्यावरण बचाने के लिए स्वप्न नगरी हम लोग बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस बार खास आपको देखने मिलेगा जब अंदर आएंगे, जो आपको एकदम ऐसे ठंडक का चीज़ जो आपको रहेगा, एकदम काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बर्फ के बीच में आके वो रहेगा। और पूजा तो काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर, जो 11 पंडित आएंगे। और उसके बाद इस बार हम लोग मतलब बप्पा के ऊपर जो चांदी का छत्र रहेगा और पूरे फोम में लोग चलेंगे, एक नया अनोखा चीज़ मिलेगा, एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। और विशेषकर यहाँ पर कि जो बेस्ट जो भी यहाँ पर जो हम लोग ड्रेस कोड रखे हैं, जो लड़कियों के लिए जो पैजामा कुर्ता रहता है, उन सब के लिए डेली हम लोग ऐसा मतलब सरप्राइज गिफ्ट भी रखे हैं कि जो ऐसे अलग से देखेंगे सब चीज़ के लिए, वो भी हम लोग एक अनोखा गिफ्ट रखे हम लोग यहाँ। मैं सर्वसे ये करूँगा कि बप्पा के दर्शन के लिए आप जरूर आए, एक अच्छा संदेश हमारा यहाँ पर, आप सबका यहाँ स्वागत है सेक्टर 2 की पावन धरा पर। जय गणेश। जैन समाज द्वारा मनाए जाने वाले पर्युषण पर्व का शुभारंभ किया गया। युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी की महती कृपा से पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की सम्यक आराधना कराने हेतु 13 पंथ समाज दुरु को उपासिका द्वय का सानिध्य प्राप्त हुआ। पर्युषण पर्व के पहले दिन खाद्य संयम दिवस उपासिका डॉक्टर श्रीमती वीरबाला छाजेड़ ने खाद्य संयम पर अपनी अभिव्यक्ति देने के पश्चात सम्यक दृष्टि कैसे बने पर विशेष उद्बोधन देते हुए सभाजनों से आह्वान किया कि विचार करें, मैं कौन हूँ, मेरी प्राथमिकताएं क्या है, अपने शाश्वत लक्ष्य को पहचाने और उस पर पड़े अज्ञान रूपी आवरण को हटाएं। उपासिका श्रीमती साधना कोठारी ने खाद्य संयम पर बताते हुए भोजन क्यों, कब, कैसा, कितना पर विस्तार से जानकारी दी। मंगलाचरणम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभा के मंत्री संजय चोपड़ा ने उपासिकाओं के आगमन पर हर्ष व्यक्त करते हुए डॉक्टर श्रीमती वीरबाला छाजेड़ का जीवन परिचय का वर्णन किया। उपासिका श्रीमती साधना जी कोठारी का जीवन परिचय 13 पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती विनीता बरडिया ने प्रस्तुत किया। श्रीमती सौम्या आकांक्षा बरमेचा ने स्वागत गीतिका का संगान किया। श्रीमती पिंकी सूरज बरमेचा ने खाद्य संयम पर गीतिका का गायन किया। सभा के अध्यक्ष देवेंद्र बरमेचा, तिलोक चंद बरमेचा, मूलचंद धाड़ीवाल, निर्मल श्री शिमौल, कैलाश बरमेचा, सुखलाल बरडिया, तेयूप अध्यक्ष मुदित दुधोडिया, सचिव ऋषभ बरमेचा, 13 पंथ महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती विनीता बरडिया, सचिव श्रीमती श्वेता बरमेचा सहित बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने कार्यक्रम में उपस्थित हो आध्यात्मिक लाभ लिया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप बरमेचा ने किया। बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, रास्ते की सेवा के दृढ़ बहन के रूप में चंद्रमण जी साहब और दूर के श्रावक श्री मंगलाल जी, प्रकाश चंद जी, संतोष। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम प्रशासन द्वारा 2 दिनों पूर्व पावर हाउस ओवर ब्रिज के नीचे एक कब्जेधारी को हटाकर कब्जा हटाने की खाना पूर्ति कर ली गई। पावर हाउस चौक से छावनी चौक के बीच हुए अवैध कब्जों को हटाने सालों से पहल नहीं की गई है। शहर में हुए अवैध कब्जों को हटाने कुछ एक कार्रवाइयों को छोड़कर बाकी नगर निगम प्रशासन द्वारा केवल खाना पूर्ति ही की जा रही है। 2 दिनों पूर्व पावर हाउस चौक के नीचे नगर निगम जोन 3 के कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा हटाने अभियान चलाया गया था। इनमें से केवल एक कब्जाधारी को ही कब्जे की जगह से बेदखल किया गया। इसके अलावा अन्य किसी भी कब्जेधारी पर नगर निगम की टीम ने किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की। पावर हाउस चौक में ओवरब्रिज के नीचे अनेकों कब्जे हैं जिन्हें व्यवसाय करने को गुमटियां आवंटित की गई थीं। उनके द्वारा भी गुमटियों को बंद रखा गया है। गुमटियों के सामने निगम द्वारा बिछाए गए चेकर टाइल्स के नीचे बैठकर लोग अवैध रूप से व्यापार करते हैं। इसी तरह CSP कार्यालय पावर हाउस के समीप सड़क किनारे फल ठेला संचालकों ने कब्जा कर रखा है। इन्हें हटाने पूर्व में अभियान तो चलाया गया था,
लेकिन अभियान के कुछ दिनों बाद ही यह वापस अपने स्थानों में आकर व्यवसाय करने लगे। इसे देखकर भी निगम के अधिकारी अनदेखा करते हैं। इन कब्जेधारियों के पास बकायदा बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध है। इनकी वजह से दुर्घटना होने का अंदेशा भी बना रहता है, क्योंकि फल ठेला संचालकों के पास खरीदी करने आए ग्राहकों द्वारा अपने वाहनों को नंदिनी रोड में पार्क किया जाता है। इससे सुबह से रात तक यातायात व्यवस्था बाधित रहती है। कुछ लोगों से यह भी जानकारी मिली है कि फल ठेला संचालकों को क्षेत्र के कुछ ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त है जिनकी नगर निगम में अंदर तक पैठ है, जो बकायदा फल ठेला खड़ा करवाने के एवज में इनसे पैसे वसूलते हैं। यही वजह है कि अनेकों ठेला संचालक वर्षों से सड़क किनारे अवैध रूप से काबिज हैं। सड़क किनारे ठेला खड़ा कर दुकान लगाकर व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदार नॉन वेंडिंग जोन में काबिज हैं। यह सब स्थिति को देखते हुए भी नगर निगम अनदेखा कर रहा है और शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने की बातें अधिकारियों द्वारा कही जा रही हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा ले। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदिनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदिनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, S और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ
कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा हमारा पता, कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाठी प्रतियोगिता में साउथ एशियाई चैंपियनशिप 2023 में खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। दुर्ग पहुंचते ही सभी खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ की टीम ने प्रथम साउथ एशियन लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में अपना परचम लहराया है, जिसके चलते पांडिचेरी में आयोजित प्रतियोगिता में कुल 5 देशों ने हिस्सा लिया था। वहीं भारत और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम के प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक हासिल किया, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने लाठी फाइट, डेमो एवं फाइट में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक हासिल किया। इस अवसर पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुँचे खिलाड़ियों का लोगों ने बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया। इस संबंध में न्यूज़ टीम को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और आप लोग कैसे खेले? ये खेल है कि हमें सामने वाले को मारना होता है और सामने वाले को रोकना होता है, डिफेंस करना होता है। और अगर हम उन्हें मारे तो हमें पॉइंट मिलेगा, और अगर वो हमें मारे तो हमें उनको पॉइंट मिलेगा। ऐसा ही खेल है। हम लोग पौंडीचेरी गए थे खेलने। क्या स्थान मिला? मेरे को सिल्वर मिला। मुझे मैं भी पौंडीचेरी साउथ एशियन गेम्स खेलने गई थी, जिसका फर्स्ट साउथ एशियन लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप था। उसमें मेरा लाठी फाइट में गोल्ड मेडल है। ये खेल, इसमें दो मतलब बाउट्स बनते हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और फिर उसके बाद एक ही वेट और एक ही एज और वेट कैटेगरी के लोग रहते हैं। फिर उसके बाद उनको स्टार्ट करवाते हैं, खिलवाते हैं, और फिर उसके बाद जिसने पहले पॉइंट लिया उसको पॉइंट मिलता है। और इसमें वार्निंग्स भी रहती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में ये रहता है कि आपको टाइम दिया जाता है, स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। उस टाइम तक आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, आपको शो करना है कि आप लाठी किस किस तरीके से आप घुमा सकते हैं या फिर उससे खेल सकते हैं। ऐसा हम छत्तीसगढ़ से हैं और हम यहाँ पे लाठी स्पोर्ट्स खेलने आए थे, साउथ एशियन चैंपियनशिप। हाँ, गोल्ड मेडल और डेमो और लाठी फाइट। मैं लाठी स्पोर्ट्स के लिए गया था पौंडीचेरी में। जोर से बोलो। कैसा लगा खेल, किस तरह? अच्छा लगा मुझे खेल के। बहुत पोजीशन ये है सर कि पहला प्रथम साउथ एशियन लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप था, जो कि आयोजित पौंडीचेरी में किया गया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो चयनित जो टीम थे, 22 बच्चे जो गए थे छत्तीसगढ़ से सिलेक्शन होके, वहां पर उनका जो परफॉर्मेंस था, 13 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ छत्तीसगढ़ पे सेकंड पोजीशन पे आज ये आयोजित किया गया, जिसमें रनर अप छत्तीसगढ़ को मिला।
सर ये साउथ एशियन गेम था, फर्स्ट साउथ एशियन गेम जिसमें 5 कंट्रीज आई थी, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और ये बहुत ही बड़े लेवल का टूर्नामेंट था। इसके बाद अगर सिलेक्शन होता है तो बच्चे आगे एशियन खेलने जा सकते हैं, जो कि अक्टूबर में दुबई में ऑर्गेनाइज होने के चांसेस हैं। मतलब अभी फिक्स, ये लाठी स्पोर्ट्स है सर, लाठी स्पोर्ट्स, हाँ जी, छत्तीसगढ़ के लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे इस टीम में खेलने गए थे वहाँ पर, और यहाँ से 22 बच्चे गए थे टोटल खेलने, जो बिलासपुर की टीम से भी थे, यहाँ की भिलाई की क्रिएटिव कराटे, जो हम लोग क्रिएटिव स्पोर्ट्स एकेडमी, हमारा जो क्रिएटिव लाठी स्पोर्ट्स एकेडमी, वहाँ के बच्चे थे, जामल स्कूल के बच्चे थे, उदय पब्लिक स्कूल के बच्चे थे, और डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे थे जो वहाँ पे खेलने गए थे। और जी मेरा नाम अंजना राजवीर सिंह, इंस्ट्रक्टर लाठी स्पोर्ट्स एकेडमी छत्तीसगढ़, और जो मेन हमारे डायरेक्टर हैं वो ये। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर के प्रतिष्ठित बीएम शाह हॉस्पिटल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा यहां पर निःशुल्क उपचार किया गया, वहीं उचित परामर्श दिए गए, साथ ही छूट प्रदान की गई। शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बीएम शाह हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया है। 10 सितंबर से 17 सितंबर तक चलने वाले इस स्वास्थ्य शिविर में यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी की निःशुल्क जाँच की जा रही है। इस शिविर में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं नेफ्रोलॉजिस्ट चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रोजाना पहुंच रहे मरीज जहां अपनी निःशुल्क जांच करवा रहे हैं, वहीं उचित परामर्श के साथ दवाइयां भी यहां पर ले रहे हैं। साथ ही यहां किडनी संबंधी मरीजों को उचित परामर्श भी दिया जा रहा है। शिविर को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस तरह की जानकारी न्यूज़ टीम को दी गई है। जी, हमारे हॉस्पिटल में 10 से 17 तारीख तक निःशुल्क शिविर है डॉक्टर एस तिवारी एंड डॉक्टर विजय बच्छानी के द्वारा। हॉस्पिटल ये दो परामर्श डॉक्टरों को निःशुल्क रखा गया है, जिसमें बीपी शुगर फ्री है, निःशुल्क है, तथा डायलिसिस, हमारे जो 50 रजिस्ट्रेशन पहले आएंगे उनको पूरा मुफ्त में डायलिसिस की सेवाएँ दी जाएंगी। जैसे विजय बच्छानी द्वारा किडनी का क्रिएटिनिन का बढ़ना, पेशाब के रास्ते में रुकावट एवं जलन आना, पेशाब के रास्ते से रक्त आना, सांस का फूलना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये डॉक्टर विजय बच्छानी द्वारा निःशुल्क देखा जाएगा। ये हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर एस तिवारी यूरोलॉजिस्ट जो हमारे हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ, गुर्दे एवं पथरी का इलाज, पोस्टेट की समस्या, कैंसर का संपूर्ण इलाज, किडनी पोस्टेट, मूत्र थैली या अंडकोश में सूजन, ये सभी संबंधित समस्याओं को हमारे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एस तिवारी निःशुल्क में परामर्श देंगे। तथा हमारे, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो प्री रजिस्ट्रेशन आएंगे 50, उसमें डायलिसिस निःशुल्क रहेगा। जांच, जिस तरह जांचों में बीपी शुगर फ्री रहेगा, एवं कुछ डॉक्टर के द्वारा जांच के लिए, जांचों के लिए 30% की छूट रहेगी। अगर किसी डॉक्टर द्वारा सर्जरी कोई प्लान होता है तो उसमें 25% की छूट रहेगी बीएम शाह हॉस्पिटल में। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ संख्या में आए और निशुल्क शिविर का लाभ उठाएं। विजय बच्छानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, यहाँ पर बीएम शाह हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। यहाँ पर एक हफ्ते के लिए 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक गुर्दा रोगों से संबंधित सभी बीमारियों के लिए निशुल्क शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें जैसे पथरी, प्रोस्टेट, पेशाब के रास्ते में रुकावट, इन सब बीमारियों का सर्जरी का भी प्रावधान है, और वह काफ़ी मतलब उचित डिस्काउंट रेट पर किया जा रहा है इलाज। गुर्दे रोगों में जैसे डायबिटीज के रोग, गुर्दा खराब होने का प्रमुख कारण रहता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कुछ अनुवांशिक बीमारियां, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट की बीमारी, बार बार गुर्दों में या पेशाब में इन्फेक्शन होना, तो इन मरीज़ों को समय समय पर गुर्दों से संबंधित जांच करवाते रहना चाहिए। गुर्दों के बीमारी के कॉमन लक्षण रहते हैं कि पेशाब की मात्रा कम बनना या पेशाब रात को बार बार बनना, भूख कम लगना, शरीर में सूजन आना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहना। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में जब शुगर की दवाइयों की ज़रूरत कम होने लगती है, जब शुगर अपने आप नॉर्मल होने लगता है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि उनको गुर्दों के जांच करवाना चाहिए। और बहुत सारी बीमारियां जो रहती हैं गुर्दों की, वो धीरे धीरे शरीर में अंदर ही अंदर बढ़ती हैं, और यूजुअली जब तक बहुत एडवांस स्टेज तक गुर्दों कमज़ोर नहीं होते हैं, हो जाते हैं,
उसके बाद ही इसका पता चलता है। तो हाई रिस्क पेशेंटों में स्पेशली डायबिटिक, हाइपरटेंशन या जिनकी फैमिली में किडनी की बीमारियां हैं, उनको समय समय पर गुर्दों की जांच कराना चाहिए ताकि हम आगे जाकर उनको डायलिसिस से या ट्रांसप्लांट से बचाया जा सके। बता दें, संबंधित बीमारियों का परामर्श के साथ बीपी शुगर पूर्णतः यहां पर निशुल्क है, साथ ही जांच में 30% की डिस्काउंट दी गई है। आए हुए मरीजों की सर्जरी की आवश्यकता होने पर यहां पर 25% की छूट अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट। नंदिनी रोड छावनी चौक की यातायात व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी हो गई है। यहां कुछ दिनों पूर्व लगे ट्रैफिक सिग्नल काम करना बंद कर चुके हैं, जिससे वाहन चालक मनमाने ढंग से चौक को पार कर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते देखे जा रहे हैं। नंदिनी रोड छावनी चौक के व्यस्ततम चौराहे में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने यातायात पुलिस द्वारा कुछ दिनों पूर्व यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। अब सभी ट्रैफिक सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया है और केवल दिखावा मात्र बनकर रह गए हैं। छावनी चौक में सुबह से रात तक सभी प्रकार के छोटे बड़े भारी वाहनों की आवाजाही बने रहती है। सभी वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मनमाने ढंग से चौराहे को पार कर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। छावनी चौक में बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा इसकी रोकथाम को लेकर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। इसके कुछ दिनों बाद तक यातायात व्यवस्था सामान्य रही, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल के खराब होते ही यातायात व्यवस्था फिर से बेपटरी हो चुकी है। चौक में रात्रि के समय लाइट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा और भी बढ़ जाता है। साथ ही छावनी चौक में सड़क जाम की स्थिति बने रहती है। कोई बड़ी दुर्घटना फिर से छावनी चौक में हो, इसके पूर्व यातायात पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल में सुधार करवाए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम मुख्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आधार कार्ड अपडेट कराने तथा नया कार्ड बनाने, नाम और जन्मतिथि सुधार को लेकर अनेकों लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ भाड़ के कारण यहां आए लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करते देखा जा रहा है। आधार अपडेशन सहित आधार से संबंधित विभिन्न कार्यों को लेकर निगम मुख्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आधार कार्ड बनाने में लगे कर्मचारियों द्वारा मात्र 120 लोगों को ही टोकन प्रदान किया जाता है। आधार कार्ड के कार्य में लगे कर्मचारियों की कमी की वजह से यहां आधार कार्ड कार्यालय में मेला सा लगा रहता है। पूर्व में लोगों की सुविधा के मद्देनज़र यहाँ बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, जो अब कहीं नज़र नहीं आती। बढ़ती भीड़ के कारण एक दूसरे से संपर्क में होने की वजह से यहां लोगों के संक्रमित बीमारियों की चपेट में आने का अंदेशा भी बना रहता है। वहीं टोकन नहीं मिलने की वजह से दूर दराज के क्षेत्र से आधार कार्ड अपडेशन को लेकर पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। आधार कार्ड कर्मी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा कुछ नहीं है, रोज यहाँ पे टोकन दे दिए जाते हैं, 120 लोगों का टोकन बढ़ता है, वो 120 लोग रहते हैं यहाँ पे। हालांकि सबने बोल दिया कि अपने टाइम से आएंगे, बट जितने भी लोग टोकन लेके हैं वो इंतज़ार में खड़े रहते हैं कि हमारा हो जाएगा। 120% जितने टोकन बटे सब खत्म हो जाए। अभी कुछ ईयर स्कूल गए हैं, क्या है बाहर रहता है पब्लिक, बच्चे सब हम बचाते रहते हैं। बहरहाल बढ़ती भीड़ के मद्देनजर यहां आधार कार्ड में लगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। साथ ही प्रतिदिन जो टोकन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी करने के उपरांत ही व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। मंगलवार को माइल स्टोर सीनियर विंग में विद्यार्थियों द्वारा मिट्टी के गणेश बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गणेश चतुर्थी के आगमन की खुशी में किया गया। इस कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। विद्यार्थियों के नाजुक हाथों द्वारा गणपति जी की मूर्ति का निर्माण साक्षात प्रभु के दर्शन करवा रहा था। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।